इस दुनिया में कई ऐसी रहस्यमय जगहें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बुतिया है। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के बाद इन जगहों पर आत्माएं रहती है, अपने अतीत को याद करने के लिए रोती है। लेकिन क्या आत्माएं सच में रोती है? हाँ, पश्चिमी दिल्ली के लोगों के अनुसार अगर आप रात में यहाँ खूनी नदी के आसपास हैं तो आपको इन आत्माओं की डरावनी आवाज़ें सुनाई दे सकती है। यह खूनी नदी कहाँ है? खूनी नदी एक छोटी सी धारा है जो रोहिणी जिले के पास पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र में बहती देखी जा सकती है। हरियाली से घिरी और मनमोहक नज़ारों वाली इस नदी को बुतिया माना जाता है। लोगों के मुताबिक यहाँ कई असामान्य और रहस्यमय घटनाएं घटती है जो किसी का भी दिल दहला सकती है। यही वजह है कि इतनी खूबसूरत जगह होने के बावजूद शायद ही आपने इस इलाके में किसी को टहलते हुए देखा हो, क्योंकि लोग इस नदी के आसपास चलने से भी डरते हैं। जैसे ही वह पानी को छूता है नदी उसे खींच लेती है। लेकिन लोगों का मानना है कि अगर कोई खूनी नदी के पानी को छूता है तो करंट उस व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेता है। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है जहां लोग इस छोटी सी धारा में डूब चुके हैं। हालांकि ऐसी मौतों को आधिकारिक तौर पर आत्महत्या माना जाता है, लेकिन फिर भी लोगों का मानना है कि यहाँ मृतकों की आत्माएँ भटकती है और यहाँ आने वाले लोगों को डराती है। निवासियों का यह भी दावा है कि उन्होंने अंधेरा होने के बाद चीखें सुनी है। यहाँ ध्यान देने योग्य एक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इस धारा की गहराई बहुत कम है, फिर भी डूबने के कारण दुर्घटनाओं की संख्या अधिक है। अगर आप इस जगह की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो हमारी सलाह है कि कभी भी अकेले न जाएं। आत्माएं हो या नहीं, लेकिन इलाके में कई मौतें हो चुकी है, ऐसे में सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको यह हॉरर स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें हॉरर स्टोरी वीडियो पसंद है। अगर आप इसी तरह और भी हॉरर स्टोरी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।